अब ले चलते हैं आपको रूम के अंदर। हाय मैम। हेलो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं कराने वाली हूँ एक रूम टूर, वो भी मसूरी का। अगर आप मसूरी में स्टे करना चाहते हैं या फिर मसूरी में घूमने आना चाह रहे हैं, आपको चाहिए एक बहुत प्यारा सा रूम, तो आज मैं उसी रूम का रूम टूर कराऊंगी आपको और इसके प्राइस के बारे में भी आपको बताऊंगी कि ये रूम कितने में मेरे को मिल रहा है। सो गाइस, जहाँ पर हम लोग स्टे कर रहे हैं ये है होटल सैपलिन, जो कि क्लॉक टावर के पास है, और जो ये रोड है ये है सिविल रोड, सिविल हॉस्पिटल रोड। सो गाइस, आज कराते हैं आपको रूम टूर, तो चलिए। अब ले चलते हैं आपको रूम के अंदर। हाय मैम। हेलो। सो हमको टूर दीजिए इस रूम का, स्टार्ट यहाँ से करते हैं, एक बार पूरा व्यू दिखाते हैं हम आपको रूम का। ये देखिए, ये हमारे रूम का, यहाँ का सबसे अच्छा जो मुझे लगा वो मैं आपको दिखा, सबसे अच्छा व्यू, सबसे अच्छी चीज ये। इधर से भी ओपन कर दीजिए, सी दिस। और दिन में ये इतना ज्यादा प्यारा हो जाता है, इतना प्यारा हो जाता है कि क्या ही कहने। ये देख लीजिए व्यू हमारे रूम से, सामने वाली पहाड़ियाँ, और यहाँ से काफी ठंडी ठंडी हवा अंदर आती है। अभी काफी चिलपिल माहौल हो रखा है हमारे रूम का, ठंडी ठंडी हवा हमारे मुखड़े पे आके लग रही है। सो बेसिकली अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ है हमारा एंट्री गेट, यहाँ से जैसे ही हम अंदर आते हैं तो हमको क्या मिल रहा है दीदी? किंग साइज बेड, एक किंग साइज बेड, किंग साइज क्वीन साइज कुछ भी कह लीजिए, पर बहुत ही स्टैटिक सा प्यारा सा, और उसके साथ दो क्यूट क्यूट लैंप, और ये लैंप, और मुझे सबसे प्यारी चीज ये लगी, साइड स्टूल। ओ माय गॉड, लैंप बंद हो गया, इट्स ओके, कोई बात नहीं। और ये कलर भी मुझे बहुत ही ज्यादा स्टैटिक लग रहा है, कलर कॉम्बिनेशन काफी अच्छा, कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा है। ये साइड स्टूल, और साथ में हमको एक फ़ोन मिला है, जो भी हमें अपने रूम में चाहिए होगा हम फ़ोन करके बुला सकते हैं किसी को कभी भी। ये कुछ एमिनिटीज इन्होंने हमें प्रोवाइड की है, लाइक ग्लास, नॉर्मल है तो सब, कैटल वगैरह ये सब चीजें। There's not much to do when all I can is thinking about. सो ये बेड बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, इस पे सोने में बहुत मजा आया है। कल हम इस पे ही सोए हैं और आज हम वीडियो कर रहे हैं। उसके साथ साथ गाइज ये देखो, ये राजाओं महाराजाओं वाला सिस्टम हो रहा है यहाँ पे, और इतनी बड़ी आपको एलईडी मिल जाएगी। आप टीवी देखो, मजे करो। पता है हमने अपनी नाइसी को खुल के टीवी दिखाया है यहाँ पे, कार्टून ही कार्टून बजाया है, ठीक है। उसके साथ साथ सबसे मेन चीज लड़कियों के लिए, ऑफकोर्स लड़कियों के लिए, यहाँ पे आप अच्छे से अपना मेकअप कर सकते हो, इतना बड़ा आपको मिरर मिल गया है, ठीक है। और उसके साथ साथ ये काफी स्पेशियस है, यहाँ पे हमने अपना सामान भर दिया अभी गाइस। ये इधर भी हमारा ही कुछ नेसेसरी जो भी सामान है हमने यहीं पर रखा हुआ है। उसके साथ साथ यहाँ पर हम लोग इंजॉय करते हैं, कॉफी पियेंगे, चाय पियेंगे इस नज़ारे के साथ, इस व्यू के साथ, ठीक है। और अब हमको मिल रही है ये अलमीरा, जहाँ पर हम दीदी क्या रख सकते हैं, अपना सामान रख सकते हैं, बट हमने कुछ नहीं रखा, नहीं है, हमने कुछ नहीं रखा, हमने अपने लगेज बाहर रखे हैं। और ये देखिए हमारे स्लीपर कहाँ पे पड़े हुए हैं, इतने सारे स्लीपर लेकर आए हैं हम लोग, कुछ नए बैग में ही रखे हैं, पैसे नहीं मिल रहे इनका, फालतू में प्रमोशन कर रहे हैं, दिखा रहे थे। बट ये है कि हम आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं कि अगर आप मसूरी आते हो घूमने और बहुत ढूंढ लिया आपने, यहाँ पे इतने सारे होटल्स हैं, सब चीज़ें, आपको एक बढ़िया सा व्यू चाहिए, तो आप यहाँ पर आ सकते हो। अब आते हैं अपने वॉशरूम में। सो ये है वॉशरूम, वॉशरूम ऐसा होना चाहिए जहाँ पे नहाने का मन करे, ऑफकोर्स बाहर तो करे ही करे, घर करे या ना करे। गाइस यहाँ पर भी हम तैयार हो सकते हैं, एक प्यारी सी क्यूट सी लाइट ऊपर भी लगी हुई है, बड़ी मज़ेदार। यहाँ पर ठंडा गर्म पानी आपको अवेलेबल हो जाएगा, इधर करेंगे आप गर्म पानी, इधर करेंगे आप ठंडा पानी, और ये बड़ा ही प्यारा सा एक वॉश बेसिन है। इधर गीजर वगैरह सब चीजें लगी हुई है, थोड़ा मतलब सा एरिया छोटा है, ये जो नहाने वाला है ना ये थोड़ा सा छोटा है, बट फिर भी बहुत क्यूट है,
क्लीनिंग भी काफी है, मतलब बहुत साफ सफाई वो सब चीजें तो है ही है। और यहाँ पर देखो इतनी सारी लाइट्स हैं, यहाँ पर आप कुछ भी सामान रख सकते हो। सी गाइस, सैनिटाइज फॉर योर प्रोटेक्शन, सब चीजें साथ में। आपको ये प्यारी सी क्यूट सी ट्रे दे रखी है इन्होंने, इसमें सबको सामान लगाया हुआ है। बल्कि ये सब चीजें हमारी थी, ये इनकी है, हम इनको चुरा के कल ले जाएंगे। अब चलते हैं बाहर। इधर डस्टबिन भी है आपके लिए, जो भी आपका कूड़ा कचरा होगा आप यहाँ पे डाल दीजिए और यहाँ पर एंजॉय करिए। एक कमी मुझे लगी वो जो थी कि यहाँ एक फ्रिज, एक मिनी फ्रिज होना चाहिए था। गाइस यहाँ पर एक फ्रिज नहीं है, एक मिनी फ्रिज होना चाहिए था क्योंकि हमारे पास छोटा बच्चा है, तो कल हमने उसका जो दूध था वो नीचे फ्रिज में रखवा दिया था। बट ये हम उनको बोल देंगे तो आपके लिए कर देंगे, बट रूम में अवेलेबल नहीं है वो चीज। उसके साथ साथ चलते हैं टेरेस पर, टेरेस भी बहुत ही ज्यादा प्यारा है, चलिए मेरे साथ। ये है गाइस टेरेस का व्यू, नाइट व्यू। हम आपको मॉर्निंग का व्यू भी जरूर दिखाने वाले हैं इस वीडियो में, सो अभी आप नाइट का व्यू एंजॉय करिए। यहाँ टेरेस पे सिटिंग अरेंजमेंट है, अगर आप अपना लंच तो नहीं, क्योंकि लंच टाइम में तो काफी धूप होती है, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट या फिर डिनर आप यहाँ करना चाहते हो तो आपके लिए यहाँ पे वो लगा सकते हैं, क्योंकि होटल में किचन भी अवेलेबल है। ओके, और साथ में आपको एक झूला भी मिल रहा है, क्यूट सा झूला है, अगर मैं इस पे नहीं गिरूंगी तो। और ये है गाइस मॉर्निंग व्यू हमारे टेरेस से, जो कि मैंने रूम बुक किया है, और ये है होटल सैपलिंग, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और व्यू कुछ ऐसा है, एरिया है लंडौर जहाँ पे हमने रूम बुक किया है, और मॉर्निंग में कुछ ऐसा व्यू दिख रहा है, सामने ग्रीन ग्रीन पहाड़ और इधर इतने सारे घर, रात को यहाँ पे दिवाली हो जाती है बिल्कुल। सो गाइज आप यहाँ पर भी बैठ के एंजॉय कर सकते हैं, बाहर का व्यू नज़ारे ले सकते हैं, और इनसे ना बड़ी अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है मेरे को, इनके अंदर ना कैंडल्स हैं गाइज। सो गाइज अब बात करते हैं रूम के टैरिफ की, तो ये रूम मेरे को पड़ा है 4500 रुपए में पर नाइट, तो हम यहाँ पर 2 से 3 दिन के लिए स्टे कर रहे हैं, तो जो रूम का कॉस्ट है वो है 4500 रुपीस पर नाइट। बट रूम की बात करी जाए तो काफ़ी अच्छा है, और गाइज ये जून का मंथ चल रहा है, मतलब कि आजकल सीजन है, टूरिस्ट बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर मसूरी में इतने ज़्यादा जितने भी होटल होंगे सब बुक हैं, तो सीज़न में तो रेट ज़्यादा होते ही होते हैं, बट जब आप ऑफ सीज़न आओगे तो यही रूम आपको 2500 से 2000 के बीच में पड़ जाएगा। लेकिन फिलहाल जो इसका रेट है वो है 4500 रुपये, जो कि हमने काफ़ी बार्गेनिंग करके हमको ये 4500 में पड़ा था, इसके रेट थोड़े 5000 के अप्रोक्स थे, बट थोड़ा सा हमने बार्गेनिंग किया था तो ये हमको 4500 में पड़ गया। तो गाइज आप बताइएगा कि आपको ये रूम कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। और स्टाफ की बात करी जाए तो स्टाफ बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत हेल्पफुल है, हमारे साथ छोटा बच्चा है तो चीज़ उन्होंने हमें प्रोवाइड कराई है। सो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर कर दें, और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।